रेडी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आज इफ्तार का वक्त था और सब लोग यू नो एक साथ हुए थे, हमें कैसा लग रहा है? इफ्तार पार्टी हुई आज सेट पर, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा क्योंकि असली जो रमज़ान का मज़ा होता है वो सबके साथ इफ्तारी, मतलब यू नो आपकी फैमिली हो उसके साथ इफ्तारी करने में आता है। एंड ये डीके भी फैमिली है, सो वी आर ग्लैड दैट एवरीबॉडी जॉइंड अस एंड या आई एम रियली हैप्पी। हाँ, बहुत बहुत मज़ा आया एक्चुअली। आई गेस ये सब इंटरव्यूज वगैरह होंगे उसके बाद हम सबसे बात भी कर पाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि सारे शोज़ के सारे आर्टिस्ट क्रू एक साथ मिल के बैठते हैं, और ये सिर्फ डीकेपी ही कर सकता है आई गेस, क्योंकि उनकी सारी जो टीम है, जो उनके जितना भी क्रू है, जितने भी लोग हैं, वो एक फैमिली की तरह फील करते हैं एंड आई फील अमेजिंग अबाउट दैट। ओके, सो ये इस शो की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शो की पहली इफ्तारी है, सो हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? नो, नॉट रियली। एक्चुअली इफ्तारी लास्ट ईयर भी हुई थी बिकॉज़ आई थिंक द मोमेंट वी स्टार्टेड, हां, बट उसके 2-3 महीने बाद, बट बिकॉज़ ऑफ कोविड एंड ऑल दे कुडंट थ्रो एनी इफ्तार पार्टी। So, yeah, it's our first iftar party. अगर रमजान की स्पेशल मेमोरीज की बात करें तो आप लोग क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ मेमोरीज हैं आप लोग? रोज़ा रखना, ऑफ कोर्स रोज़ा रखते हैं, यू डू लॉट ऑफ चैरिटी, और आई गेस यादों के हिसाब से देखा जाए तो सुबह सुबह उठ के सहरी खाना, दैट इज, क्योंकि पहले बचपन में तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्या होता है उसे आलस आता है, यू डोंट वांट टू गेट अप, बट दोस आर लाइक द स्वीटेस्ट मेमोरीज। या यू कैन, आई डोंट वांट टू गेट अप, नाउ आई कैन, अरे फॉर मी नाउ आई एम वेरी लेजी, नाउ आई स्टे अवेक ऑल नाइट, सो इट्स ओके। मार मार के उठा नहीं है। खाने में क्या मजा आया? अभी तक खाया नहीं है, मौका नहीं मिला ज्यादा, खजूरी खाया, बट रमजान मुबारक एंड ईद आ रही है, तो ईद मुबारक, बहुत सारी इबादत कीजिए, चैरिटी कीजिए, रोजा रखिए, ईद सेलिब्रेट कीजिए और शो देखते रहिए हमारा, शो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।